तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज मैं आप सबके लिए लेके आऊँ माइनक्राफ्ट का पॉकेट एडिशन के लिए टॉप 3 सीड। वैसे पॉकेट एडिशन के लिए नहीं, ये जावा में भी वर्क करेंगे, तो माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन और जावा दोनों के लिए, और काफ़ी ज़्यादा एपिक सीड हैं तीनों के तीनों। और गाइस अगर आपने मेरी पुरानी सीड वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि मैं सीड्स के अंदर मतलब कुछ भी फेक नहीं दिखाता हूँ, जो सीड के अंदर होता है वही दिखाता हूँ। तो गाइस आज मैं काफ़ी सारे अच्छे अच्छे सीड लेके आया हूँ। एक सीड तो ऐसा जिसमें टोटल 11 ब्लैक स्मिथ है और भाई काफ़ी ज़्यादा एपिक सीड है। तो अभी बताऊँगा मैं वो सारे सीड और दिखाऊँगा क्या क्या मिलेगा उन सीड में। तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और हाँ गाइस आज मैं आप सबके लिए लेके आऊँ दो चैलेंज। तो गाइस देखो आज का हमारा फर्स्ट चैलेंज ये है आप सबके लिए कि आपको जो स्क्रीन पर ये मॉब्स जो दिखाई दे रहे हैं बताओ ये कौन से मॉब्स हैं। जाओ जल्दी से जाकर कमेंट सेक्शन में इनके नेम लिखो और भाई तीन बंदों को जो सही आंसर देंगे उन तीन जनों को मैं अगली वीडियो में शाउट आउट दूंगा। तो जल्दी से आंसर बता दो कमेंट सेक्शन में। और भाई सेकंड चैलेंज आपके लिए ये है कि आप अपनी नाक से नीचे जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसे दबा कर दिखाओ, और अगर आप अपनी नाक से उसे दबा देते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपको भी शाउट आउट ज़रूर दूंगा। तो चलो भाई अब बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं अपने सीड नंबर 1 की तरफ। तो गाइज आज का हमारा पहला सीड आप सबको अपनी अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो गाइज इस सीड में सबसे पहले आप कुछ इस जगह पर स्पॉन होते हो, और गाइज स्पॉन से ठीक साइड में ही आपको देखने को मिल जाएगा एक विलेज जो कि काफ़ी ज़्यादा एपिक है। और गाइस इस विलेज के अंदर एक ब्लैक स्मिथ भी है। और भाई अगर आपको मेरी तरह माइनक्राफ्ट के 1.18.13 वर्जन में शेडर्स डाउनलोड करने हैं ना तो जाओ जाके ये वाली वीडियो देख लो, चैनल पर मैंने बनाई हुई है, जाके इस वीडियो को देख लो, आप भी शेडर्स डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल मेरी तरह। तो जाओ जल्दी से जाके देख लो अगर नहीं देखी तो। चलो भाई अब इस ब्लैक स्मिथ की लूट दिखाता हूँ आपको क्या लूट है इसके अंदर। तो गाइस चलिए विलेजर के घर के अंदर हम आ चुके हैं और इसके अंदर है कुछ ये लूट आप सब देख ही सकते हो जो कि काफ़ी बेकार सी है, मतलब ज़्यादा तो नहीं है। और गाइस आपको इस विलेज में इसके ठीक पीछे एक रोइन पोर्टल भी देखने को मिलेगा जैसा कि आप सब देख सकते हो, और इसमें भाई दो दो गोल्ड के ब्लॉक मिलेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी बात है, दो दो गोल्ड के ब्लॉक तो मिल रहे हैं। चलो और गाइस इस रोइन पोर्टल को सबसे पहले मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो गाइस रोइन पोर्टल को एक्टिवेट करने के बाद आप जैसे ही इसके अंदर जाओगे तो आप सीधा कुछ इस जगह पर स्पॉन होगे। और गाइस अगर आप स्पॉन से कुछ इस डायरेक्शन में सीधा जाते हो फिर आपको इधर जाना है, पहले मैं जाकर दिखाता हूँ आपको इसी डायरेक्शन में सीधा जाना है जैसे मैं जा रहा हूँ। फिर गाइस आपको इन कोऑर्डिनेट्स पर एक बेंशन देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो काफ़ी सही है, इसे आप लूट करने आ सकते हो, काफ़ी एपिक लूट होती है इसके अंदर, तो भाई इसे लूट करने ज़रूर आना। और गाइज उसके बाद आपको अपने ओवरवर्ल्ड में वापस आ जाना है, फिर आपको ये जो दो घर दिख रहे हैं ना विलेजरों के इनके पास आना और यहाँ से कुछ पीछे इस डायरेक्शन में सीधा जाना भाई। यहाँ पे स्टोन से लगे होंगे, यहाँ पे देख सकते हो जैसे ग्रेवल वगैरह लगे हुए हैं, आपको यहीं पर आना है इस विलेज के पीछे। देखो अब मैं दिखाता हूँ इस जगह पर, मतलब कुछ इन कोऑर्डिनेट्स पर आपको आना होगा। तो गाइज यहाँ पे आपको एक ट्रेजर चेस्ट देखने को मिलेगी जिसमें कुछ ये लूट है, आप सब देख सकते हो कि कैसी लूट है। और गाइज इसे लूटने के बाद आप, तो गाइज आपको उसके बाद कुछ इस रोइन पोर्टल के पीछे इस जगह पर जाना है जिधर मैं जा रहा हूँ, और ऊपर आप कोऑर्डिनेट्स भी देख सकते हो, इस जगह पर आके डिक कर लेना, कोऑर्डिनेट्स ऊपर दिख ही रहे हैं आपको। इस जगह पर डिक करने के बाद आप जैसे इधर नीचे जाओगे ना इसके अंदर तो आपको सीधा सीधा डिक करते जाना है, और जैसे ही आप नीचे जाओगे तो आप कुछ पहुँच जाओगे इस जगह पर। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी एक माइन शाफ्ट जो कि काफ़ी बढ़िया और काफ़ी ज़्यादा एपिक लूट है इसके अंदर। और गाइज उसके बाद आपको कुछ इन कोऑर्डिनेट्स पर आके इस जगह पर डिक करना होगा, तो आप सीधा जैसे ही इसके अंदर जाओगे आप सीधा पहुंच जाओगे एक स्पोनर के पास, देख सकते हो भाई यहाँ पे एक स्केलेटन स्पोनर है जिसकी चेस्ट के अंदर कुछ ये लूट देखने को मिल जाएगी आपको। और गाइज इस स्केलेटन स्पोनर के ठीक नीचे ही आपको एक और जोम्बी स्पोनर भी देखने को मिल जाएगा जैसा कि आप देख सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है। और भाई इसकी एक चेस्ट मुझसे गलती से टूट गई तो कोई नहीं, वो लूट मैं आपको नहीं दिखा सकता, पर आपको ये वाली लूट दिखा देता हूँ। तो इस वाली चेस्ट में कुछ ये लूट है,
और गाइज उसके बाद आपको कुछ इन कोऑर्डिनेट्स पर देखने को मिल जाएगा एक मोशन मॉन्यूमेंट, जैसा कि आप सब देख सकते हो। आप इसमें भी लूट करने आ सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा एपिक होता है। और भाई इसके साइड में ये देखो ड्रिप स्टोन का भी वो है, तो आप यहाँ से ये भी लेकर जा सकते हो, तो ज़रूर आना यहाँ पे भी। और गाइज फिर आपको इन कोऑर्डिनेट्स पर देखने को मिल जाएगा एक सैंड विलेज, जैसा कि आप सब देख ही सकते हो। काफ़ी ज़्यादा एपिक सीड है, मतलब मज़ा आ गया भाई सीड के अंदर। और गाइज इस विलेज के अंदर एक ब्लैक स्मिथ भी है, जिसकी चेस्ट के अंदर कुछ ये लूट है। और गाइज इसके बाद आपको उस विलेज के पीछे इस जगह पर आना है, इन तीनों टावर के पीछे, और आपको देखने को मिलेगा एक प्लेजर टावर, तो आप यहाँ पे भी लूट करने आ सकते हो। मैं इसकी भी चेस्ट के लूट दिखा देता हूँ। तो गाइज इसकी चेस्ट के अंदर कुछ ये लूट देखने को मिल जाएगी। और गाइज इन कोऑर्डिनेट्स पर आपको एक और सैंड विलेज देखने को मिल जाएगा, और इस सैंड विलेज के अंदर भी काफ़ी एपिक लूट है। और गाइज इस विलेज के अंदर आप अगर इस जगह पर आके इधर देख सकते हो, आप कुछ इस जगह पर आके डिक करोगे ना, तो आप सीधा पहुंच जाओगे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास। देखो मैं दिखाता हूँ, तो गाइज देख सकते हो मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर आ चुका हूँ। और भाई सीड काफ़ी सारी चीज़ें थी इस एक सीड के अंदर, काफ़ी एपिक सीड था। आप बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको ये सीड। अब चलो अपने नेक्स्ट सीड की तरफ चलते हैं, वरना भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलो चलते अपने नेक्स्ट सीड की तरफ। तो गाइस आज का जो हमारा नेक्स्ट सीड है वो है ये। और हाँ भाई, अब सीड को देख के आपका सर चकरा गया होगा, क्योंकि सीड इतना बड़ा है, पर सीड काफ़ी ज़्यादा एपिक है। तो जो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इस सीड को नोट कर लो, और जैसे ही आप इस सीड, तो गाइस आज का हमारा सेकंड सीड आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें आप कुछ इस जगह पर स्पॉन होंगे, और स्पॉन से सीधा सामने सबसे पहले एक विलेज और एक शिपरैक देखने को मिल जाएगी आपको, जैसा कि आप सब देख ही सकते हो। ये रही भाई शिपरैक यहाँ पे, तो इसकी भी लूट दिखा देता हूं मैं, इसकी चेस्ट के अंदर क्या लूट है। तो गाइस इसकी चेस्ट के अंदर आप सब देख ही सकते हो कुछ ये लूट देखने को मिली है, जो कि बहुत ही बकवास थी। पर गाइज इसकी कोई बात नहीं, पर मैं आपको इस सीड के अंदर टोटल 11 ब्लैक स्मिथ दिलाने वाला हूँ, और इनके अंदर डायमंड भी मिलेंगे। तो देख सकते हो भाई सबसे पहले कितने सारे ब्लैक स्मिथ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। जहाँ भी नज़र जा रही है सिर्फ विलेज में ब्लैक स्मिथ ही दिख रहे हैं। तो चलो सबसे पहले ब्लैक स्मिथ की चेस्ट के अंदर देख लेते हैं हमें क्या लूट देखने को मिलेगी। तो गाइज फर्स्ट ब्लैक स्मिथ के अंदर कुछ ये लूट थी, अब चलो चलते अपने सेकेंड ब्लैक स्मिथ के पास। तो गाइस सेकंड ब्लैक स्मिथ के कुछ ये लूट है, आप सब देख ही सकते हो। और अब चलते हैं अपने थर्ड ब्लैक स्मिथ के पास। तो ये रहा थर्ड ब्लैक स्मिथ, तो चलो अब इसकी चेस्ट की लूट भी देख लेते हैं। तो गाइस इसकी चेस्ट के अंदर कुछ ये लूट देखने को मिल जाती है हमें। और अब चलते हैं अपने फोर्थ ब्लैक स्मिथ की तरफ। तो चलिए गाइस ये रहा हमारा फोर्थ ब्लैक स्मिथ, और अब इसकी चेस्ट में भी लूट चेक कर लेते हैं क्या लूट देखने को मिलेगी हमें। और भाई मैं यहाँ अटक गया पता नहीं। चलो अब अंदर आ चुके हैं, और इसकी चेस्ट के अंदर कुछ ये लूट है। अब चलते हैं अपने फिफ्थ ब्लैक स्मिथ की तरफ। तो चलो गाइस जल्दी अपने ब्लैक स्मिथ के पास चलते हैं। तो ये रहा हमारा फिफ्थ नंबर का ब्लैक स्मिथ, अब इसकी चेस्ट के अंदर लूट भी देख लेते हैं, और भाई काफ़ी सही लूट है। अब चलते हैं अपने सिक्स नंबर के ब्लैक स्मिथ में। तो गाइस सिक्स नंबर का ब्लैक स्मिथ पहले मुझे भाई ढूंढना पड़ेगा, और दिख गया भाई ब्लैक स्मिथ ये रहा। तो चलो इसकी चेस्ट के अंदर भी लूट देख लेते हैं। इसकी चेस्ट के अंदर आपको कुछ ये लूट देखने को मिल जाएगी, ये भी काफ़ी अच्छी लूट थी। अब इसके चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लैक स्मिथ को। और भाई मैं तो भूल भी गया कौन सा नंबर का था, पता नहीं आपको याद होगा तो देख लेना अपने आप कौन सा ब्लैक स्मिथ है ये। तो चलो इसकी चेस्ट के अंदर भी देख लेते हैं क्या लूट देखने को मिलेगी। तो इसकी चेस्ट के अंदर हमें कुछ ये लूट देखने को मिल गई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लैक स्मिथ के पास। तो गाइज ये रहा हमारा अगला ब्लैक स्मिथ, इसकी चेस्ट के अंदर आपको कुछ ये लूट देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लैक स्मिथ की तरफ। तो गाइज ये रहा हमारा आज का अगला ब्लैक स्मिथ, और इसकी चेस्ट के अंदर देख लेते हैं क्या लूट है, और कुछ ये लूट है। अब चलते अपने नेक्स्ट ब्लैक स्मिथ की तरफ। तो ये रहा गाइज अगला ब्लैक स्मिथ, और इसकी चेस्ट के अंदर भी देख लेते हैं हमें क्या लूट देखने को मिलेगी। तो इसकी चेस्ट के अंदर कुछ ये लूट थी, अब चलो चलते हैं अपने जल्दी से नेक्स्ट ब्लैक स्मिथ के पास। तो देखते हैं क्या लूट मिलेगी उसमें। तो ये रहा भाई अगला ब्लैक स्मिथ, और इसकी चेस्ट के अंदर भी देख लेते हैं कुछ ये लूट है। तो मतलब देख सकते हो काफ़ी सारी अच्छी लूट मिल जाएगी आपको यहाँ से। तो गाइस सारे ब्लैक स्मिथ के घर कंप्लीट हो चुके हैं, मैं भूल गया था। तो सारे ब्लैक स्मिथ की लूट दिखा दी। तो भाई स्पीड रनिंग के लिए तो सीड काफ़ी ज़्यादा एपिक है। और देखो भाई इसमें आपको एक ब्लैक स्मिथ के घर के ऊपर नेदर पोर्टल भी देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप सब देख ही सकते हो। ये रहा सबसे पहले मैं इसकी चेस्ट की लूट दिखा देता हूँ। तो गाइस इसकी चेस्ट के अंदर आपको कुछ ये लूट देखने को मिल जाएगी। और गाइस फिर आप जैसे ही इसके अंदर जाओगे नेदर पोर्टल को एक्टिवेट करके, तो आपको फिर यहाँ पर स्पॉन किया जाएगा। और गाइज स्पॉन पॉइंट से थोड़ी सी आ गई आपको देखने को मिल जाएगा एक और नेदर पोर्टल। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे एक और नेदर पोर्टल है हमारा, और इसकी भी चेस्ट के लूट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज इसकी चेस्ट के अंदर कुछ ये लूट देखने को मिल जाएगी आपको, जो भी ठीक ठाक सी लूट है। अब चलो गाइज आगे चलते हैं। तो आपको देख
अपने नेदर पोर्टल से कुछ इस डायरेक्शन में सीधा जाना है, जैसे मैं जा रहा हूँ आपको दिखाता हूँ। मैं इस डायरेक्शन में जाना है आपको, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप जाओगे तो सीधा सीधा जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे पास में ही आपको नेदर फोर्ट्रेस देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप सब देख सकते हो, मैं नेदर फोर्ट्रेस के पास पहुँच चुका हूँ। ऊपर कोऑर्डिनेट्स भी शो हो रहे हैं, अगर आपको लोकेशन समझ नहीं आती तो आप कोऑर्डिनेट्स से भी देखकर आ सकते हो। तो गाइस देख सकते हो सही है, ये सीड काफ़ी ज़्यादा एपिक है। यहीं पर आपको ब्लेज स्पोनर भी मिल जाएगा, तो काफ़ी एपिक सीड है। तो गाइज इस सीड के अंदर तो इतना ही था, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सीड की तरफ, वो भी काफ़ी ज़्यादा एपिक है। और गाइज मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना तीनों में से कौन सा सीड आपको एपिक लगा। तो गाइज आज के हमारी लास्ट सीड है ये, आपको इसमें यहाँ पर स्पॉन किया जाएगा और स्पॉन से ठीक थोड़ा सा आगे जाना है आपको कुछ इस डायरेक्शन में, और आपको सीधा देखने को मिल जाएगा एक सवाना विलेज, जैसा कि आप सब देख ही सकते हो। तो गाइस इस विलेज में आपको काफ़ी ज़्यादा एपिक लूट देखने को मिलेगी, और इसके ठीक साइड में एक रोइन पोर्टल भी है जिसकी चेस्ट के अंदर की लूट मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस इसकी चेस्ट के अंदर आपको कुछ ये लूट देखने को मिल जाएगी, और गाइस जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करके इसके अंदर जाओगे तो आपको सीधा कुछ इस जगह पर स्पॉन कर दिया जाएगा। और गाइस आप जैसे ही नेदर के अंदर आने के बाद कुछ इस डायरेक्शन में सीधा सीधा जाते हो, तो आप सबको पहले तो इसी डायरेक्शन में सीधा जाना है इस तरह, और आपको सीधा यहाँ पे थोड़ी सी आगे जाने के बाद नेदर फोर्ट्रेस दिख जाएगा, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। आपको थोड़ा सीधा सीधा जाना है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पास, और देखो भाई दिख भी गया हमें नेदर फोर्ट्रेस हमारा ये रहा। तो ऊपर आप कोऑर्डिनेट्स भी देख कर आ सकते हो, और वैसे लोकेशन मैंने डायरेक्ट आपको बताई दी, तो देख सकते हो भाई नेदर फोर्ट्रेस भी ये रहा। इसमें ब्लेज स्पोनर सब कुछ मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा एपिक सीड है। फिर गाइज आपको कुछ इन कोऑर्डिनेट्स पर देखने को मिल जाएगा एक और विलेज इसी सीड के अंदर, और ये विलेज भी काफ़ी ज़्यादा एपिक है। इसमें एक ब्लैक स्मिथ भी है जिसकी लूट भी मैं आपको दिखा देता हूँ चल के। तो गाइस हम ब्लैक स्मिथ के घर के अंदर आ गए, और इसकी चेस्ट में कुछ ये लूट देखने को मिल जाएगी। और गाइस इस विलेज के एंड में एक आपको रोइन पोर्टल देखने को मिलेगा जिसकी चेस्ट के लूट भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस इस रोइन पोर्टल में दो दो तो गोल्ड के ब्लॉक हैं, और इसकी चेस्ट के अंदर आपको कुछ ये लूट देखने को मिल जाएगी। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा एपिक सीड है, ज़रूर ट्राई करना, और कौन सा सीड बेस्ट लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।